तो पूरे देश में आज शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। जहां नवरात्रि के आज पहले दिन पूरा देश मां की भक्ति में सराबोर दिख रहा है, तो वहीं देवी मंदिरों से लेकर लोगों ने अपने घरों में मां की आराधना कर पूजा अर्चना की। कोविड महामारी के बाद सरकार द्वारा मिली रियायत के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंदिर में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। कुछ ऐसा ही भक्ति का नजारा यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला, जहाँ देवी मंदिरों में माँ के भक्तों का सैलाब सामने आया। जनपद कानपुर देहात में नवरात्रि के पहले दिन आज सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों की मान्यता है कि नवरात्रि में मां की आराधना और उनकी पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामना मां पूरी करती है। कानपुर देहात के गांव कस्बों से लेकर ग्रामीण इलाके तक मां की भक्ति देखने को मिल रही है। मां के जयकारों से पूरा जनपद गुंजायमान है। मतलब व्रत रहते हैं सब लोग अपने सुख समृद्धि के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब लोग व्रत करते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी लोग व्रत रहते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं सुख शांति के लिए और सभी लोग सुख शांति से रहें, आराम से रहें। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नवरात्र का जो महीना होता है, जो पर्व चलता है, इसको लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। माता रानी की पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं और हर्षोत्साह के साथ में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हम लोग अपने घर में मूर्ति रखते हैं और मंदिरों में सजावट होती है। इस प्रकार से हम लोगों का पूरा पर्व चलता है 8 दिन का 9 दिन। पहला दिन है जिसको लेकर के जो देवी मंदिरों की रौनक फिर से लौट आई है कोविड काल के बाद। जो मंदिरों में आने की श्रद्धालुओं को परमिशन नहीं थी, अब वो जो है परमिशन सरकार की तरफ से मिल गई है, जिसको लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद ये जो है कोविड से निजात पाने के बाद जो है ये आज पहली बार जो है नवरात्र पड़ी है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के लोगों को कोविड जो है प्रोटोकॉल का पालन कराने की जो है हिदायत भी दी गई थी। वहीं मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यासीन अली, जेएमडी न्यूज़, कानपुर देहात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews/